मिस्टर विष्णुराज अपने बेटे युवराज से बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मिस्टर विष्णुराज युवराज से फाइनली मिल चुके हैं। नहीं दोस्तों ये गलत बात है, मिले हैं कि नहीं मिले हैं हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन फाइनली मत बोलो क्योंकि घुमा फिरा के बात करना हम लोग को नहीं आता है। दोस्तों मिस्टर विष्णुराज जरूर मिलेंगे, युवराज बेटे से जरूर मिलेंगे और मिले। 11 तारीख आज मिल चुके हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन हम आप लोग को असली सच्चाई बताते हैं, वीडियो पे बने रहिए सारी जानकारी लेने के लिए। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मिस्टर विष्णुराज अभी अपने बेटे युवराज से नहीं मिले हैं, किस कारण की वजह से नहीं मिले हैं, कौन सा वो मोड़ आया है जिसके वजह से युवराज अपने पापा यानी कि मिस्टर विष्णुराज से नहीं मिल पाया और मिस्टर विष्णुराज युवराज से नहीं मिल पाए। दोस्तों मालती चौहान के पापा जी हैं, उन्हीं के पास मिस्टर विष्णुराज के बेटे युवराज हैं। और दोस्तों इसमें मोड़ ये आया है कि जो मालती चौहान के जो वकील हैं और जो प्रशासन है उनके खिलाफ जो भी हैं वो लोग कह रहे हैं कि अभी हम नहीं मिला सकते मिस्टर विष्णुराज को युवराज से, क्योंकि अगर कल को कुछ होती है, हाँ अगर प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी कि मिलवा दिया जाए तो मिला ले, क्योंकि युवराज को अगर कुछ भी होता है किसी कोई भी करता है, ये थोड़ी ना है कि देखो दुश्मन दोस्तों बहुत पीछे लगे हुए हैं, कभी क्या कर ले कोई पता नहीं है। आज मालती चौहान कैसे मरी ये भली बात किसी को भी नहीं पता है, सब अनदेखे में है, अंधविश्वास में है कि कैसे मरी, फांसी लगा के मरी कि कोई आखिर मारा, किसी को नहीं। जब तक अर्जुन वर्मा नहीं पकड़ाएगा तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी, जब तक मिस्टर विष्णुराज बाहर नहीं है तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें बात यह है कि कोई अगर युवराज को कुछ भी करता है, किडनैप कर ले या मार भी दे, भाई किसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, सबका वही इंटरव्यू देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये शायद हम लोग को नहीं पता है, आप लोग को भी नहीं पता है, हम लोग दोनों लोग के अंदर क्या चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये निर्णय मालती चौहान जी के पापा का बेहद सही है, क्योंकि अगर उनके बेटे को कुछ होता है युवराज को तो डायरेक्ट जो है मालती चौहान के पापा ही जिम्मेदार होंगे, मालती चौहान के वकील ही जिम्मेदार होंगे, मालती चौहान के जितने भी केस में मतलब मालती चौहान के पास है खिलाफ ने मतलब उनके उनके ओर से जो लड़ रहे हैं सारे लोग जिम्मेदार होंगे, विष्णुराज की तरफ से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी निर्णय है मालती चौहान के पापा जी का, इस पर मिस्टर विष्णुराज और आप बुरा मत मानिएगा अगर हम लोग को वीडियो को कभी देखिएगा, क्योंकि देखिए एक जो जिम्मेदारी रखा है उसका एक जिम्मेदारी बनता है तो सही से बेटी चली गई तो बेटी का आपकी बेटे के भलाई के लिए वो ऐसा निर्णय लिए हैं, क्योंकि आपसे मिलने आएगा रास्ते में कुछ हो जाए क्या हो जाए वो दिक्कत आ सकता है। और पहली बात एक बात वो और बोले हैं, मालती चौहान के ससुराल यानी कि मिस्टर विष्णुराज के घर वाले आज तक मालती चौहान को मरे हुए हो गया लेकिन एक बार भी नहीं गए, ये बात दोस्तों जानना चाहिए। देखिए जिसके तरफ से गलती रहती है हम दोनों उसी तरफ से बोलते हैं, चाहे मालती चौहान हो चाहे मिस्टर विष्णुराज हो, दोनों हमारे लिए एक बराबर हैं और सदियों तक एक बराबर रहेंगे, भले आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों यही हम कहना चाहते हैं कि मालती चौहान के पिताजी अच्छे निर्णय लिए हैं मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही निर्णय है कि नहीं। अगर किसी को सामान दिया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रखनी उसे होनी चाहिए, तो यही चीज कर रहे हैं मालती चौहान के पिताजी। अभी तक मिस्टर विष्णुराज से युवराज का मिलन नहीं हुआ है, किसी को वीडियो देखकर अफवाहें मत पढ़िए, क्योंकि जब तक प्रशासन इजाजत नहीं देगी तब तक मालती चौहान के पिताजी युवराज को मिस्टर विष्णुराज से नहीं मिला सकते। बाकी दोस्तों आज तक वीडियो यही था, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे, अपडेट देते रहते हैं और हमारा भी लाइफ स्टाइल हमारा भी कहानी आप सभी को मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।